देखो, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास की थी उसमें हम लोगों ने लैक्टोबैसिली नामक जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। अभी जो सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारे सिलेबस में दिया है, दैट इज़ राइजोबियम, राइजोबियम के बारे में हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, अगर तुम अपने आजू बाजू एनवायरनमेंट को देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दिखेंगे। कुछ तुम्हारे खाने के प्रोडक्ट्स में, कुछ तुम्हारे प्लांट्स के रूट्स में, उनकी लीव्स में, उनके फ्रूट्स में, ठीक है, या कुछ तुम्हारे घर के फर्नीचर्स में, कुछ तुम्हारे कपड़ों में, कुछ तुम्हारी मिट्टी में, कुछ तुम्हारी हवा में, कुछ तुम्हारे पानी में, मतलब एवरीवेयर देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज राइजोबियम। आपको ये देखिए बुक में एक माइक्रोस्कोप से एक बड़ी सी इमेज राइजोबियम की शेयर की गई है कि देख भाई, राइजोबियम जो होता है वो इस तरीके का दिखता है। ये एक इमेज उन्होंने शेयर की है। इमेज को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो इस इमेज से तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइजोबियम की क्या शेप डिपिक्ट कर सकते हो, मतलब गोल गोल दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, सिलेंड्रिकल दिख रहा है, कि कैसा दिख रहा है। तो बायोलॉजी में इस तरीके के जो लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है रॉड शेप्ड। ठीक है, तो राइजोबियम जो होता है आप लोगों का कैसा है, एक रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, एक रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पेपर में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है कि राइजोबियम की आप शेप बताइए, या एमसीक्यू दे सकता है कि इसमें से राइजोबियम की क्या शेप है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा है, आप लोगों का एक रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म है। टेक्स्ट बुक में देखो लिखा भी है, ये देखो रॉड और ये शेप्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके रखना। हमने जब लास्ट क्लास की थी तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैक्टोबैसिली के बारे में पढ़ा था, और टेक्स्ट बुक में देखो लैक्टोबैसिली की भी इमेज दी थी, और वहाँ पे भी हमने उसको क्या मार्क किया था कि वो भी कौन है, एक रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म है। राइट, तो अभी अपने छोटे से दिमाग में ये याद रखना कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो स्टार्टिंग के 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं, एक दिया है लैक्टोबैसिली और एक दिया है राइजोबियम। दोनों के दोनों की जो शेप है वो कैसी है, रॉड शेप्ड है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, बैक्टीरिया हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दोनों के दोनों रॉड शेप्ड है और दोनों के दोनों क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। द पॉइंट इज, ये जो राइजोबियम है इसके बाजू में मैडम ये वर्ड लिखा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिम्बायोटिक। तो देखो, बायोलॉजी में एक वर्ड होता है सिम्बायोसिस, या फिर मैं ये कहूँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका हम मतलब समझते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब कैसा रहता है, कई बार हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे जो बाल हैं, हमारे बालों पे जू हो जाती है। ठीक है, जो हमारी बालों के अंदर जू हो जाती है, ये जू क्या करती है, तुम्हारे बालों में चलती है ना, वहाँ रहती है, तुम्हारा खून चूसती है, और बेसिकली वो ज़िंदा रहती है। मतलब जू कभी खुद का खाना नहीं बनाती, कहीं खाना खाती भी नहीं है हमारे जैसे, गाय के जैसे, बकरी के जैसे, वो तुम्हारा खून चूसती है। तो जो तुम्हारा ब्लड होता है ना, तुम्हारे ब्लड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, तुम्हारे ब्लड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बेसिकली जो जू जब तुम्हारा खून चूसती है तो सारे न्यूट्रिएंट्स किस में चले जाते हैं, उस जू के पास चले जाते हैं। इससे वो जो जू है उसको क्या होता है, उसको एक लाइफ मिलती है, उसको हेल्दी हेल्दी फूड मिलता है बिना कोई मेहनत किए, मस्त वो बड़ी खुश रहती है। बट हमको बड़ी चिड़चिड़ होती है, बालों में खुजली होती है, अच्छा नहीं लगता है लोगों के सामने, है ना। तो बेसिकली ये एक ऐसा बिजनेस चल रहा है जिसमें प्रॉफिट सिर्फ उस जू का हो रहा है, क्योंकि उसको मस्त खाना मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। बट इसमें तुम्हारा क्या प्रॉफिट हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि तुमको तो चिढ़ मच रही है कि तुम्हारे बालों में खुजली हो रही है, तुम्हें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तुम्हें तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है ना, तुम्हें तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो ये हो गया एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें किसी एक को प्रॉफिट हो रहा है
और दूसरे को लॉस हो रहा है या तो कुछ नहीं हो रहा है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप। बट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, एक ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों को प्रॉफिट होता है, दोनों को प्रॉफिट, दो अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं और दोनों को वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जो होस्ट है, होस्ट मतलब अब जैसे मैं हूँ और जू है, ठीक है, तो जू मेरा क्या कर रही है, मेरा खून चूस रही है, क्या मैं सही कह रही हूँ, है ना, ये क्या कर रही है, मेरा खून चूस रही है, मैं उसको खाना दे रही हूँ, राइट। तो ऐसे में दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक मैं और दूसरी जू। तो वैसे ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक जो खाना बनाता है या फिर खाना खाता होगा, वट एवर, बट काम करता है, और दूसरा जो कुछ काम नहीं करता, बना बनाया खाना उससे खींच लेता है, चूस लेता है, ला दे मुझको, छीन लेता है, ऐसे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो जब दोनों का प्रॉफिट हो रहा हो तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जहाँ भी पाया जाता है, मैं बताऊँगी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरियाज, बट जहाँ भी राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता होगा वहाँ पर उस राइजोबियम बैक्टीरिया का भी फायदा होता है, और जिससे चिपक गया है ना बैक्टीरिया जाकर, उस प्लांट का भी फायदा होता है। सो देयरफॉर दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसीलिए इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है, वेयर दे आर फाउंड। तो आप एक काम करिए, अगर आपके घर में मटर का पौधा है, पीस, आप उस पौधे की रूट्स को देखिए जाकर। अगर आपके घर में क्या कहते हैं उसको, महाराष्ट्र में एक्चुअली बहुत फेमस है, लोग अपने घरों में उसको लगाते हैं, तूरी कहते हैं आई थिंक, तुअर की फली, राइट, उसके पौधे के रूट्स को जाकर आप देखिए, आपको वहाँ पे क्या दिखेगा, आपको वहाँ पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया दिखेगा। मैडम लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया क्या इतना बड़ा होता है कि हमको अपनी आंखों से दिख जाए, ऑब्वियसली नहीं, बट वहाँ पे आपको ये पाया जाएगा। तो होता कैसा है, जो प्लांट्स जो प्रोटीन रिच होते हैं, प्रोटीन रिच, जैसे सोयाबीन का प्लांट प्रोटीन रिच होता है, जो दाल वगैरह होती है ना पल्सेस, ये प्रोटीन रिच होती हैं। तो जितने भी प्लांट्स प्रोटीन रिच होते हैं, ठीक है, जिनको खाने से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, वो प्रोटीन रिच प्लांट्स की अगर आप रूट्स को देखोगे तो वहाँ देखना आपको रूट्स के बाजू में ये देखो ऐसे छोटे 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 दाने दिखेंगे। मैं एक और इमेज आपको दिखाती हूँ, उस इमेज से आपको बेटर फीलिंग समझ में आएगी। दो मिनट, राइजोबियम, देखो मैंने इमेजेस निकाल के रखी थी, कहाँ गई, हाँ, अगर आप ऐसे रूट्स को देखोगे तो रूट्स के आजू बाजू देखो आपको ये छोटा 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 राउंड 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 आपको कुछ देखने को मिलेगा। दिख रहा है, छोटा 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 राउंड राउंड देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो छोटा छोटा राउंड राउंड आपको देखने को मिलता है, इस छोटे छोटे राउंड राउंड को नोड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नोड्यूल्स कहते हैं। तो जो भी प्रोटीन रिच प्लांट्स होते हैं, जो भी, ठीक है, ज़्यादातर दालें प्रोटीन रिच होती हैं, पल्सेस या सोयाबीन, इनके जो रूट्स होते हैं उस रूट्स के पास आपको छोटे 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 गठरी दिखती है, छोटे 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 आपको दाने दिखते हैं। किसी प्लांट में आपको बड़े दिखेंगे, किसी प्लांट में आपको छोटे दिखेंगे, बट ये जितने भी प्रोटीन रिच प्लांट्स होते हैं हर जगह आपको ये नोड्यूल्स क्या होता है, देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, आपको ये नोड्यूल्स देखने को मिलता ही मिलता है। तो एक्चुअली में, ठीक है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये इसी लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है। ठीक है, कहाँ पे रहता है ये रहता है रूट में, जो नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स मतलब वो जो छोटे छोटे गोल गोल गठान आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उन गठानों में आप लोगों का ये राइजोबियम बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिलता है। तो रूट नोड्यूल्स जो रहेंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स के, वहाँ पे आप लोगों को ये बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि राइजोबियम बैक्टीरियाज कहाँ पाए जाते हैं,
ठीक है, तो आप उसको बताइएगा कि जो रूट के उनके नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। अब कई स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाउट आ जाएगा कि मैडम यहाँ पे आपने जो ये वर्ड रखा है लेग्यूमिनस, इसका मतलब हमको नहीं समझा। तो मैंने अभी तुमसे क्या कहा, जितने भी प्रोटीन से भरे हुए प्लांट्स हैं, जैसे मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, है ना, जितनी भी प्रकार की दाल आती हैं, दाल हो गई, टैमरिंड हो गया, बरबट्टी हो गई, गवार फली हो गई, बीन्स हो गई, है ना, मटर हो गया, है ना, बेसिकली जो जिनको फोड़ के जिनके अंदर से अपन को मिलते हैं, क्या कहते हैं, दाने मिलते हैं, जितने इस प्रकार के प्लांट्स हो गए वो सब लेग्यूमिनस की कैटेगरी में आते हैं। और उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर में आपको ये राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ठीक है, द पॉइंट इज ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया इन रूट के नोड्यूल्स में मिलता है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है भी क्या, मतलब हमारे खाने में, मतलब मैडम आप क्या कहते हैं, बैक्टीरिया खिला रही हो हमको, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हम बैक्टीरिया खाएंगे क्या। तो देखो, सर्टेन बैक्टीरियाज आर वेरी गुड फॉर यू, फॉर योर हेल्थ, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। जैसे लैक्टोबैसिली आपके लिए गट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ना, ओके तो वैसे ही जो ये राइजोबियम है, दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू। द पॉइंट इज कि हाउ इट इज हेल्पफुल। तो देखो, जब आप छोटे बच्चे थे, आपने अपनी साइंस के टेक्स्ट बुक्स में वेरियस साइकिल्स पढ़ी होंगी, आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, आपने कार्बन साइकिल पढ़ा होगा, आपने ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा होगा, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, है ना। तो जो नाइट्रोजन साइकिल होती है या कोई भी साइकिल होती है, उसका बेसिकली मकसद क्या होता है, रोल क्या होता है, क्यों होती है वो साइकिल, कि हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, इंक्लूडिंग बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, किसी भी चीज़ की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि CO2 ज़्यादा होता गया। अगर CO2 ज़्यादा हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे CO2 वापस कम भी हो, अगर कम हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे वो वापस क्या हो, बढ़ता जाए, सच दैट कि चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो वैसे ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मौजूद है। अगर आपने बेसिक साइंस लोअर क्लासेस में पढ़ी है तो आपको पता होगा, अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। कितनी परसेंट? 78% के आसपास सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है। अब इस नाइट्रोजन गैस को किस तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर लाया जाए, मैंने वैसे पूरी नाइट्रोजन साइकिल पे एक वीडियो बनाई है, अगर तुम्हारे 9th क्लास के सिलेबस से मुझको ये दिखी तो मैं तुमको ज़रूर शेयर कर दूंगी कि हाँ ये है। अगर तुम्हें पता है कि हाँ मैडम नाइट्रोजन साइकिल हमारे सिलेबस में है तो बता देना, मैं वैसे भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो किस तरीके से लाया जाए इस पे पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई है, बट ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये यही काम करता है। ये क्या कहता है, वो जो रूट के नोड्यूल्स में रहता है, ठीक है, और वो जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वहाँ से नाइट्रोजन को लाता है और उसको प्लांट के अंदर अलग अलग फॉर्म्स में स्टोर करता है। और एक बार अगर नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म्स में प्लांट के अंदर अगर स्टोर हो गया, तो जब तुम उस प्लांट को कंज्यूम करोगे, जब तुम दाल को कंज्यूम करोगे या जब किसी भी चीज़ को कंज्यूम करोगे, तो बेसिकली वो सारा का सारा नाइट्रोजन इन डिफरेंट फॉर्म्स आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, है ना, बराबर। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि राइजोबियम का क्या इम्पोर्टेंस है, तो राइजोबियम की ये इम्पोर्टेंस होती है कि इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये किस काम में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हेल्प करता है किस पर्पस में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। What do you mean by the term, madam? Nitrogen fixation. Nitrogen fixation का मतलब होता है कि जो atmosphere होता है, उस atmosphere में जो भी nitrogen gas है, उस nitrogen gas को ये अलग form में convert करता है और उसको plant के अंदर
क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो जितने भी आपके प्रोटीन रिच प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके लेग्यूमिनस हैं, जैसे बीन्स हो गया, स्वीट पी हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना, इन सारे प्लांट्स के अंदर आपको भर भर के नाइट्रोजन मिलेगा। और नाइट्रोजन की वजह से ही ये लोग क्या होते हैं, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, आर रिच इन प्रोटीन। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, जब तुम 12th क्लास में आ जाओगे, जब तुम 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा नाइट्रोजन का फॉर्मूला। जैसे आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा पानी का फॉर्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, है ना। तो जब आप बड़े हो जाओगे, आपको पता चलेगा कि प्रोटीन्स का भी एक फॉर्मूला होता है, और उस प्रोटीन के फॉर्मूले में आता है नाइट्रोजन, ठीक है। जो तुम्हारी पूरी बॉडी है ना, ये किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है। तुम्हारी पूरी बॉडी में नाइट्रोजन है। कहाँ से आया तुम्हारी बॉडी में नाइट्रोजन, कैसे आता है? तो जो ये तुम लेग्यूमिनस फूड खाते हो, प्रोटीन रिच फूड खाते हो, वहाँ से आता है। और उसके पास कहाँ से आता है, ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन उसके पास लेकर आता है, ठीक है। तो इसीलिए राइजोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा तो प्लांट्स प्रोटीन रिच नहीं बनेंगे। प्लांट्स अगर प्रोटीन रिच नहीं बनेंगे तो जो बहुत सारी आबादी है दुनिया की, जो डेली या फिर मैं कहूँ जो वेजिटेरियन है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो नॉनवेज खाना किसी के लिए पॉसिबल है नहीं ना, तो जो प्रोटीन आपकी जो दुनिया है, जो दाल खाती है, सोयाबीन खाती है, बीन्स खाती है, ये खाती है, वो खाती है, उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, राइट। सो देयरफॉर राइजोबियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो होप सो कि तुम लोगों को ये बात समझ में आई है कि क्यों हमारा राइजोबियम इतना इम्पॉर्टेंट है। पेपर में 1 मार्क के MCQ के लिए आराम से टीचर तुमसे ये चीज़ पूछ सकती है कि मुझे कुछ आप एग्जांपल्स दीजिए उन प्लांट्स के जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, या फिर आप ऐसे एग्जांपल्स दीजिए जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, या फिर आप ऐसे एग्जांपल्स दीजिए जहाँ पर आपका क्या कहते हैं प्रोटीन रिच होता है। तो ध्यान रखना, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। टेक्स्ट बुक में 3 एग्जांपल हैं, एक है बीन्स, एक है स्वीट पी, स्वीट पी मतलब मटर, और एक है सोयाबीन, ठीक है, बराबर। अच्छा, मैं और भी बाकी पैराग्राफ भी समझाती चलती हूँ, ठीक है। वैसे मैं सब समझा चुकी हूँ, बट स्टिल मैं एक एक लाइन समझा के चलती हूँ ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारी बुक से कुछ तुम्हारा छूट गया है। अब इसके बाद क्या होता है, आपने खेती की मटर की, है ना, आपने किसान ने खेती की मटर की, तुअर फली की, मूँगफली की, वट एवर द लिग्यूमिनस प्लांट्स, उन्होंने सारे मटर तोड़ दिए, मटर का सीज़न चला गया। अभी ठंडी है ना, अभी ठंडी में आते हैं मटर, मटर का सीज़न चला गया। अब वो क्या करेगा उस प्लांट का, क्या वो अपनी खेती में, ठीक है, बराबर, क्या वो अपनी खेती में उस मटर के पौधे को वैसे का वैसा ही लगा रहने देता है क्या? नहीं, ठीक है, वो उसको जड़ से निकाल देता है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर वो फिर से मटर उगाता है फ्रेश, और तब तक अगर वो अपने खेत में उस पौधे को लगा रहने देगा तो मटर का तो सीज़न चला गया है, तो अब वो उसको हटा देता है ताकि कोई दूसरा क्रॉप वो उगा सके। तो हार्वेस्ट करने के बाद जब वो उस मटर को हटा देता है, तो उस मटर को हटाने के बाद जो उसका रूट होता है, उसका जो तना होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं, जो भी वो प्लांट के बचे कुछ पार्ट्स होते हैं, वो उसे कहाँ फेंक देता है, वो उसको अपने खेत में फेंक देता है। क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो, कोई भी लिविंग चीज अगर डेड हो चुकी है, अगर आप उसको उखाड़ चुके हो, अगर वो मर चुकी है, तो समय के साथ साथ वो डिकम्पोज होगी, राइट। तो जब उसने उस मटर के पौधे को जड़ से निकाल दिया, एकदम उखाड़ दिया, उसको फेंक दिया, तो ऑब्वियस है कि समय के साथ साथ धीरे 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 वो पर्टिकुलर मटर का पौधा डिकम्पोज होगा। जब वो धीरे 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 डिकम्पोज होगा, तो उसके अंदर, उस पौधे के अंदर जितना भी नाइट्रोजन है अलग अलग फॉर्म्स में, वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, उस खेती में चला जाएगा। उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो कहाँ चले जाएंगे, उस खेत की मिट्टी में चले जाएंगे। तो बेसिकली मटर या किसी भी लेग्यूमिनस प्लांट की खेती होने के बाद उसका जो
बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको हम लोग किसी लैंड में जाके फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, सच दैट कि उस लैंड की नाइट्रोजन वैल्यू इंक्रीज हो जाए और वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया भी इंक्रीज हो जाए। तो अगर उस लैंड में राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, तो वो उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी। वहाँ पे आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की नीड नहीं होगी, एक अच्छी मिट्टी होगी, उसमें पहले से हेल्दी चीज़ें होंगी, तो जब भी आप उसमें कोई भी प्लांट लगाएंगे तो वो जल्दी जल्दी ग्रो होगा, अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट देगा। तो इससे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी आप लोगों को यूज़ करने में दिक्कत, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, क्वालिटी ऑफ फूड भी आपको अच्छा मिलेगा, है ना। और ऑब्वियसली अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे हो तो एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में कि आखिर प्लांट का जब फ्रूट हम खा लेते हैं, जब सीज़न चला जाता है, तो उस बचे हुए प्लांट का हम क्या करते हैं। तो अभी मैंने जो भी बातचीत कही ये इस पैराग्राफ में कवर होती है कि हार्वेस्ट करने के बाद उस बचे हुए प्लांट का हम ये करते हैं, राइट। तो इसके बाद तो खैर राइजोबियम बैक्टीरिया वाला पार्ट आप लोगों का ख़त्म होता है, ठीक है। फिर तो ये ईस्ट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा कि ईस्ट क्या है क्या नहीं है, इसको भी हम लोग कल कवर करेंगे। फिर एंटीबायोटिक्स के बारे में है अलग अलग प्रकार के, अभी तक हम जितना भी पढ़ेंगे ये हमारे अच्छे अच्छे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बट कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स आते हैं जो हार्मफुल होते हैं, तो आपके कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में भी दिया है। मतलब हार्डली 3 डेज़ का ये चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक पैराग्राफ है जो मेरे से छूट गया है, ये वाला, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। देखो, जब भी हम कोई भी फसल उगाते हैं, फसल उगाने के लिए हमको बीज चाहिए होता है। आप जाते हो बीज को खरीद के लाते हो, तो गवर्नमेंट आजकल क्या कर रही है, कंपनीज आजकल क्या कर रही हैं, वो जो बीज होते हैं ना, उस बीज के ऊपर राइजोबियल सॉल्यूशन, मतलब बैक्टीरिया का राइजोबियल सॉल्यूशन या फिर बैक्टीरिया का पाउडर बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं यार, उस पर मत जाना, उसको उस सीड के ऊपर कोट कर देते हैं। जैसे अपन कैसे अपने चेहरे के ऊपर मेकअप कर लेते हैं, वैसे ही वो उस सीड के ऊपर उसकी कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर जब किसान उस सीड को सो करता है तो अपने आप वो जो प्लांट्स जो रहते हैं, जो बड़े हो रहे होते हैं, धीरे धीरे वो सारा का सारा राइजोबिया उस सीड की कोटिंग से निकल कर किस में चला जाता है, प्लांट्स में चला जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं राइजोबियल इनऑक्यूलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, राइजोबियल इनऑक्यूलेशन, डन। तो राइजोबियल इनऑक्यूलेशन क्या है ये समझ में आ गया। अच्छा, ऐसा करते क्यों है, वाई द रीज़न, क्या नीड क्या है राइजोबियल इनऑक्यूलेशन की। जैसा कि मैंने बताया, राइजोबियम बैक्टीरिया आपको वहीं देखने को मिलता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जिनके रूट्स में वो नोड्यूल्स होते हैं। अब हर प्लांट की तो रूट में नोड्यूल होंगे नहीं, बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके रूट में नोड्यूल्स नहीं होते, लेकिन हम उन्हें खाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को प्रोटीन नहीं मिल पाता उतना ज़्यादा। अब जैसे मान लेते हैं तुम खा रहे हो करेला, उसमें तुम्हें प्रोटीन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसके रूट में नोड्यूल्स नहीं होते। लेकिन अगर हम करेले की जब वेल, जब क्लाइंबर उसका लगाते हैं, उस वक्त अगर उसके सीड को राइजोबियम के पाउडर से या उसके सॉल्यूशन से कोट कर देते हैं, तो कोट कर देने से क्या होता है, वो जो करेले का प्लांट है जिसके पास वो रूट नोड्यूल नहीं है, उसके पास भी चला जाता है राइजोबियम, और वहाँ पे भी प्रोटीन आने लगता है। भले ही थोड़ा कम क्वांटिटी में आएगा, लेकिन आएगा तो सही, सच दैट कि जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में अलग अलग फ्रूट्स को, अलग अलग सब्जियों को जब आप इंक्लूड करोगे, तो आपकी बॉडी में भी वो जाता जाता है, ठीक है। ये इसीलिए ज़रूरी है आप लोगों का राइजोबियल इनऑक्यूलेशन। और राइजोबियम को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए उस जू के जैसे खाना चाहिए। अब बैक्टीरिया खाना कहाँ से लाएगा, वो उसके रूट के नोड्यूल्स में रहता है, रूट के नोड्यूल्स में से वो क्या करता है, खाना ले लेता है प्लांट से। प्लांट को आती है गुस्सा कि तू मेरा खाना ले रहा है, इससे तो तेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो राइजोबियम कहता है कि रुक भाई, मैं तेरे को बदले में क्या दे रहा हूँ, नाइट्रोजन। तो इससे प्लांट हो जाता है खुश कि अरे वाह, इतने तो मेरा भी प्रॉफिट हो रहा है।
तो इसीलिए इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं कि जो बैक्टीरिया को चाहिए था जिंदा रहने के लिए खाना उसने प्लांट से ले लिया और उसने बदले में प्लांट को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स दे दिए जो कि प्लांट के लिए भी हेल्पफुल थे. सो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और इस रिलेशनशिप में जो खाना देता है जो प्लांट उसे कहते हैं हम लोग होस्ट. जैसे अगर तुम किसी के घर जा रहे हो तुम मेहमान हो और जिनके घर गए वो क्या है होस्ट है, तो वैसे ही प्लांट कहलाता है होस्ट. तो प्लांट होस्ट होता है और राइजोबियम बैक्टीरिया उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है और बदले में उसको क्या देता है नाइट्रोजन बना कर देता है. ठीक है, तो हो सकता है स्कूल के थ्योरी पेपर में आपको ये वाला डायग्राम बनाने को आ जाए ये बोलते हुए कि आप एक सोयाबीन प्लांट की या किसी भी लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स को ड्रॉ करके दिखाइए. मतलब जब उसके रूट नोड्यूल्स का काटा गया उसको तब उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, या हो सकता है डायग्राम पहले से बनकर आ जाए और आप लोगों को लेबलिंग करने को दिया जाए, या हो सकता है पहले से लेबलिंग करके आए कि यहाँ ए है यहाँ बी है यहाँ सी है, बताओ ए क्या है बताओ बी क्या है बताओ सी क्या है, इस तरीके से आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया वाला पार्ट ओवर होता है. एक बार हम लोग एक्सरसाइज को देख लेते हैं, क्या कोई क्वेश्चन राइजोबियम पे एक्सरसाइज में है क्या. कल की क्लास से हम लोग ईस्ट वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो देखो एमसीक्यू में जो आपका सी वाला एमसीक्यू है इसको पढ़ो. क्या लिखा है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स कैन प्रोड्यूस मोर प्रोटीन ड्यू टू प्रोटीन्स लेग्यूमिनस प्लांट. एक ही वर्ड दिमाग में आना चाहिए, वो आना चाहिए राइजोबियम. सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, राइजोबियम रिस्पॉन्सिबल होता है. आगे पूछा जा रहा है राइट द नेम्स ऑफ द माइक्रोब फाउंड इन फॉलोइंग फूड मटेरियल. ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था योगर्ट में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिल. आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रूट नोड्यूल्स में, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट की क्या पाया जाएगा, राइजोबियम. राइट, अच्छा उसके बाद और देखो और कुछ मिल रहा है क्या. अभी और तो कुछ नहीं मिल रहा है. फिर क्वेश्चन नंबर 6 में मैच द पेयर है तो ये हाँ हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. राइजोबियम को मैं यहाँ लिख सकती हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना. अच्छा, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में तो ऐसा कुछ भी नहीं है राइजोबियम बैक्टीरिया से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 8 में भी है. बट जितना मैंने राइजोबियम पढ़ाया उससे मुझे ऐसा लगता है टीचर तुमसे जो जो क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे कि व्हाट इज द शेप, तो शेप आपको पता होना चाहिए. कहाँ पाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए. ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, है ना. उसके अलावा आपसे एग्जांपल्स पूछ सकती है प्रोटीन रिच फूड के, तो आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए. चौथा आपको राइजोबियम का वो पूछ सकती है इम्पॉर्टेंस, तो आपको ये याद रखना है हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन. आपको सिम्बायोसिस का मतलब पूछ सकती है, ठीक है. तो सिम्बायोसिस की अगर डेफिनेशन या मतलब पूछा मैडम ने तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज सिम्बायोसिस, बराबर. और अगर मान लेते हैं तुम्हारे स्कूल टीचर्स इस बॉक्स से भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज राइजोबियल इनऑक्यूलेशन, ठीक है. अच्छा, उसके अलावा फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम इनऑक्यूलेशन, राइट. तो अगर वो बिटवीन द टेक्स्ट बुक पूछते हैं तो, अदरवाइज तो फिर जो कई लोग ऐसा रहता है कि नहीं मैडम हमारे स्कूल में तो सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे का जो एक्सरसाइज है उसी से आता है, हम तो वही पढ़ेंगे. तो खैर वो अलग बात है, तो वो तुम्हारा देख लो कि कैसा कैसा स्कूल का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग करो. तो कल की क्लास में हम लोग आगे ईस्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और देखते हैं आगे और कौन कौन से बैक्टीरियाज या